नई हवाएं शोहरत बिगाड़ देती हैं, नई हवाएं शोहरत बिगाड़ देती हैं, कबूतरों की खुली छत भी उजाड़ देती हैं। जो जुल्म करता है वो आदमी बुरा नहीं होता, जो जुल्म करता है वो आदमी बुरा नहीं होता, सजा ना देकर अदालत बिगाड़ देती है। एक और शायरी सुने, बहुत मोटिवेशनल है, और मेरी रिक्वेस्ट है कि उस शायरी को आप नोट कर लें, वो आपको क्लास वन दे देगी शायरी पक्का। मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल कहाँ नसीब से होती हैं। मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल कहाँ नसीब से होती हैं, मगर वहाँ तूफान भी हार जाते हैं, मगर वहाँ तूफान भी हार जाते हैं, जहाँ कश्तियाँ अपने जिद पर होती हैं। भरोसा अगर ईश्वर पर है तो जो लिखा है वही पाओगे, भरोसा अगर ईश्वर पर है तो जो लिखा है वही पाओगे, भरोसा अगर खुद पर है तो ईश्वर वही लिखेगा जो आप चाहोगे। आइए अब आते हैं, एक सीन है, मैं बच्चे बेटे लल्ला, मैंने आपको बताया था कि स्टोरी की जो सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की स्टोरीज हैं, स्टोरीज प्रोजेक्टेड इन सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड दैट टू इन द बैटरी ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट, स्पेसिफिकली इन द फर्स्ट टेस्ट दैट इज TAT थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, दीज स्टोरीज आर 12 इन नंबर्स एंड द बाइफर्केशन ऑफ दीज स्टोरीज आर सो साइंटिफिक एंड एनालिटिकल। यू सी द फर्स्ट काइंड ऑफ स्टोरीज आर दोज हु आर स्ट्रेस ओरिएंटेड, जिसमें आपको है वो, आई एम सॉरी जेंटलमैन, आई एम गेटिंग ए बंच ऑफ एलिगेशंस फ्रॉम साउथ टू स्पीक इन इंग्लिश एंड द सेम बंच ऑफ एलिगेशंस कंप्लेन फ्रॉम यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड दिल्ली टू स्पीक इन हिंदी। देयरफॉर आई विल कीप ऑन स्पीकिंग, आई विल कीप ऑन कमेंसिंग ऑपरेटिंग एवरीथिंग दैट इन द बायलिंगुअल, प्लीज आई एम सॉरी। सो सीन फर्स्ट इज परी प्रकार की वो स्टोरी होती है जिसमें जोखिम, हैवोक, सेंस ऑफ अर्जेंसी, दुर्घटना, घटना, मुसीबत, टारगेट, चैलेंज, एकदम ट्रबल, संकट सामने दिखता है, इसमें ऑब्जर्वेशन काम करता है। और सेकंड प्रकार की वो स्टोरी होती है जिसमें प्रॉब्लम, स्ट्रेस, अर्जेंसी, इमरजेंसी, हैवोक इंडिकेटेड होता है, इसमें परसेप्शन काम करता है। और तीसरी प्रकार की वो स्टोरी होती है, आई एम सॉरी, जिसमें न घटना दिखाई दिखती है सामने, न उसमें घटना या प्रॉब्लम इंडिकेटेड होता है, वो प्योरली न्यूट्रल होता है, इसमें इमेजिनेशन काम करता है। और चौथे प्रकार की स्टोरी ब्लैंक स्टोरी होती है, जिसमें आपकी आपको अपनी मर्जी से एक स्टोरी लिखनी होती है। मैं अब इस स्टोरी पाता हूं, इसमें सामने जो है स्ट्रेस, इंपीडिमेंट, सेंस ऑफ अर्जेंसी, घटना सामने दिख रही है, इसमें ऑब्जर्वेशन काम करता है। और TAT का बेटा एक फार्मूला बता दें, द एम ऑफ द साइकोलॉजिकल टेस्ट इज टू फाइंड आउट दोज क्वालिटीज बाय वर्च्यू ऑफ दैट यू आर एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। द एम एंड द पर्पज ऑफ द साइकोलॉजिकल टेस्ट इज टू फाइंड आउट, टू इवेल्युएट, टू एसेस दोज क्वालिटीज बाय वर्च्यू ऑफ दैट यू आर एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम, फिर से लेट मी रिपीट माय वर्सन, द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम शुड बी द कन्वीनियंट आउटकम ऑफ योर पर्सनैलिटी, यू शुड नॉट बी अनकंफर्टेबल इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, देन योर नेचुरल पर्सनैलिटी विल कम। कमिंग पर्टिकुलरली एंड स्पेसिफिकली टू दिस स्टोरी, देर आर टू पीपल इन द सेम यूनिफॉर्म ऑफ द ड्रेस, द
देयर इज अ बोट, वन मैन इज इन द बोट एंड द अनदर मैन इज बिहाइंड द ट्री, बोथ आर टारगेटिंग ए पर्सन हु इज हाइडिंग हिमसेल्फ बिहाइंड द ट्री. नाउ कमिंग टू द स्टोरी, कमिंग टू द स्टोरी ऑफ ए पर्सन हु हैज फॉरवर्डेड हिज सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड एंड डेवलपमेंटल हिस्ट्री. नाउ सी, प्लीज सी, दिस इज द पर्सनल एंड एकेडमिक प्रोफाइल. जेंटलमैन, लेट मी डायरेक्टली एंड ट्रांसपेरेंटली कम टू दिस सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड एंड डेवलपमेंटल हिस्ट्री. व्हाट इज द साइंस, व्हाट इज द डॉक्ट्रिन, व्हाट इज द डॉक्ट्रिन बिहाइंड इट, व्हाट इज द पर्पज बिहाइंड इट, व्हाट इज द हाइपोथेसिस एंड द साइंस बिहाइंड इट. सी, यू आर ओनली सपोज टू परफॉर्म what you are expected to perform, or what you are expected to perform is that what you are supposed to perform. See this boy, this boy is Manoj Kumar, resident of Rewari, that too in JK. Current occupation, he is a private school teacher. He is doing something. Father Bipin Kumar, educational matric, occupation policeman. Mother वीरता देवी, एजुकेशन मैट्रिक, ऑक्यूपेशन होममेकर हाउसवाइफ. एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये 82, 68 और 66, तीनों का मीन निकालता हूँ तो 72 पा जाता है. इंग्लिश मीडियम का एजुकेशन विथ हिंदी है. ये एनसीसी सर्टिफिकेट, पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स दैट इज क्रिकेट रीजनल लेवल, वॉलीबॉल रीजनल लेवल, शॉर्ट पुट एनसीसी, नेशनल गेम्स ईटीसी, हॉबीज इंटरेस्ट कुकिंग एंड गार्डनिंग. Eligible for CDSE, FCAT and NCC NTA, previous SSP history, skilled out 4 times. That too for NCC NTA, FCAT NTA means Air Force Common Admission Test, CDSE Combined Defense Services Examination, FCAT NTA again, Air Force Common Admission Test. This boy has been skilled out 4 times. Lala, meri baat ko samjhne ka prayas karo. स्क्रीनिंग को क्वालिफाई करना दो चीजों पर बेस करता है, ओआईआर और नरेशन. ओआईआर की 23 सीरीज है, यू कैन आस्क अस टू सेंड इट दैट टू ऑन द कास्ट बेसिस, और यू कैन कम टू अस, वी विल पुट यू इन द प्रैक्टिस एंड यू कैन गेट थ्रू द स्क्रीनिंग. एंड फॉर नरेशन वी हैव गॉट सर्टेन टेक्निक टू पुट ए मैन अंडर द प्रैक्टिस. कमिंग टू हिज स्टोरी, the story written by the student is like this. Aman was a sub inspector in Kerala police. He got the information about illegal trade of drugs being carried out in backwaters of Kerala and was supplied to the tourists. Aman made a team of 5 men and cordoned the area. He himself and with 2 men stood at the ground and sent 2 of his men in boat to chase the smugglers. Suddenly, the smugglers started firing on them, Aman also firing at them. They cordoned the smugglers and at last they surrendered. Aman arrested them and get the information about the whole chain of the smugglers and busted the illegal drugs trade. Okay. Now, my one of the students has read out the story. I am coming to interpret this story. Now, first, the first requirement of the TAT is hero's identification. There is a difference between the identification and introduction. Here, hero's introduction is not required. Only identification is required. Aman was a sub-inspector in Kerala police. तो केवल आप डिस्ट्रिक्ट का नाम देखते थे, डिस्ट्रिक्ट क्राइम ब्रांच डिस्ट्रिक्ट का, इस डिस्ट्रिक्ट के क्राइम ब्रांच केरला पुलिस में, केरला पुलिस के इस डिस्ट्रिक्ट के क्राइम ब्रांच में, तो हीरो आइडेंटिफिकेशन आपका पूरा हो जाता. अब आइंदा ध्यान रखिएगा कि हीरो आइडेंटिफिकेशन में ऐसा आइडेंटिफिकेशन दे दें कि हीरो को जा करके हम वहाँ पर फाइंड आउट कर लें, स्पॉट आउट कर लें. जैसे आधार कार्ड में आइडेंटिफिकेशन आपका होता है, इंट्रोडक्शन नहीं होता, तो उससे आप मालूम हो जाता है कि आदमी कहाँ रहता है. तो केवल हमको हीरो आइडेंटिफिकेशन चाहिए. ओके, आई हैव सजेस्टेड अबाउट द हीरोज आइडेंटिफिकेशन. अब टास्क का हीरो आइडेंटिफिकेशन के बाद टास्क का इंट्रोडक्शन होता है, या टास्क में हीरो इंटर करता है, या टास्क को चैलेंज करता है, या टास्क को रिसीव करता है. ही गॉट द इंफॉर्मेशन अबाउट इलीगल
trade of drugs being carried out in backwaters of Kerala and was being supplied होना चाहिए being although this story is a ready-made story लेकिन फिलहाल मैं operate कर देता was being supplied to the tourists he got the information about illegal trade बेटे इनका नाम क्या था मनोज कुमार बेटा मनोज एक काम करो लला सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आप अगर डिस्क्लोज कर दो तो बहुत अच्छी बात है मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में जब टीएटी को ऑपरेट किया था तो मैंने बोला था आपको कि अंडर द डिफेंस रेजिमेंटेशन सिस्टम जनरलाइजेशन हैज गॉट नो वैल्यू ओनली स्पेसिफिकेशन हैज गॉट द वैल्यू प्लीज डिस्क्लोज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज ग्राम प्रधान या लोकल इंटेलिजेंस यूनिट या इनकी इंटेलिजेंस यूनिट या इनका कोई बंदा जिसको इन्होंने डिप्लॉय किया था ओके सेकेंड इज प्लीज राइट डाउन द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन देन योर स्टोरी विल बी द वेरी गुड स्टोरी बींग कैरड आउट इन बैक वाटर्स ऑफ केरला दैट इज गुड यहाँ मतलब टास्क यहाँ पर दिस यू सी हीरो आइडेंटिफिकेशन यहाँ पर पूरा हो जाता है अब ही गॉट द इंफॉर्मेशन जहाँ से बच्चे ने लिखा है यहाँ से टास्क इंट्रोड्यूस हो रहा था देखिए हाउ द टास्क इज गेटिंग इंट्रोड्यूस इनटू द टीएटी दिस मैन अमन वाज ए सब इंस्पेक्टर इन केरला पुलिस यहाँ पर जो मैंने एडिशन करने के लिए बोला है अगर तुम मनोज नाम है इसका ना अगर मनोज तुम वो इंफॉर्मेशन अगर यूज कर दो तो ये आपका हीरो आइडेंटिफिकेशन यहाँ पर पूरा हो जाएगा क्योंकि आप लोग बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि साहब एक एक लाइन को इस प्रकार से इंटरप्रेट करिए कि हमको टीएटी में दिक्कत नहीं हो वो मैं वैसी लला कर रहा हूँ जैसा आप हमको हुक्म कर रहे हो जैसे निवेदन कर रहे हो वैसी कर रहा हूँ लला अब यहाँ पर हीरो आइडेंटिफिकेशन यहाँ फुल स्टॉप पर खत्म हो जाता है अब यहाँ से टास्क जो है इमर्ज कर रहा ही गॉट द इंफॉर्मेशन अबाउट इलीगल ट्रेड ऑफ ड्रग्स बीइंग कैरेड आउट इन बैक वाटर्स ऑफ केरला एंड वॉज बींग यहाँ बींग होना चाहिए बी ई आई एन जी बींग सप्लाइड टू द टूरिस्ट यहाँ पर टास्क आ गया कि उसने सूचना पाई कि ये काम ऐसा हो रहा है अब यहाँ पर टास्क पूरा यहाँ पर टूरिस्ट पर जहाँ फुल स्टॉप लगा है यहाँ पर टास्क पूरा इंट्रोड्यूस हो जा रहा है तो हीरो आइडेंटिफिकेशन और टास्क का इंट्रोडक्शन दोनों यहाँ कंप्लीट हो जा रहा है वॉट लेड टू द सिचुएशन हैज बीन एब्सोल्युटली कंप्लीटेड नाउ कमिंग टू दी व्हाट इज हैपनिंग जो टीएटी का सेकेंड रिक्वायरमेंट है वो बोलते हैं ना कि जेंटलमैन दिस इज द फर्स्ट टेस्ट ऑफ बैटरी ऑफ योर साइकोलॉजिकल टेस्ट नोन एज टीएटी थीमेटिक अपर सेप्शन टेस्ट जेंटलमैन दिस इज प्योरली द टेस्ट ऑफ योर इमेजिनेशन A number of pictures shall be shown to you on the monitor for 30 seconds each on which you are required to write a story within 4 minutes on each picture about the persons and situations shown in the picture answering 3 basic thematic questions what led to the situation what is happening and what will be the outcome of this happening so now what led to the situation has been completed. I am coming to the second requirement of the TAT, that is what is happening. Aman, yes, what is happening? The second requirement of the TAT is coming into the operation. Aman made a team of 5 men and cordoned the area. Yahan operation shuru ho raha hai. That is good. Yahan tak mujhe koi aapatti nahi. That is quite okay, acceptable. He himself and with 2 men stood at the ground and sent 2 of his men in boat to chase the smugglers. That is also good, because you are required to write a story around the persons and situations shown in the picture. The situation mein 2 person hai, 1 person pehle attack kar rahe hain. Iske beyond bhi bahut kuch ho sakta hai. Now hai, now the obvious has been completely utilized. To story mein koi dikkat nahi hai. What is happening is coming to the right path. The planning is good. Execution is also good. Sent 2 of his men in boat to chase the smugglers. Suddenly, the smugglers started firing on them. Ab yahan what is happening ho raha hai? Ye ghatna ghat rahi hai. Aman also firing nahi hota. Beta yahan fired likhna chahiye aapko. Kriya ka second form ka use karna. Aman also fired at them.
दे कॉर्डन द स्मगलर्स एंड एट लास्ट दे सरेंडर. इन्होंने स्मगलर को घेर लिया. अब यहाँ व्हाट इज हैपनिंग, जो टीएटी की सेकेंड रिक्वायरमेंट यहाँ पूरी हो जा रही है. दे सरेंडर, अमन अरेस्टेड देम, ठीक है. एंड गेट नहीं होना चाहिए बेटा, यहाँ गाट होना चाहिए. गॉट द इंफॉर्मेशन अबाउट द होल चेन ऑफ स्मगलर्स एंड बस्टेड द इलीगल ड्रग्स ट्रेड. दैट इज क्वाइट गुड. ध्यान रखें इस स्टोरी में कोई नो प्रॉब्लम. बेटे लल्ला, आप मेरी बात को समझने का प्रयास करो. अगर हीरो आइडेंटिफिकेशन आपका पूरा हो गया, हीरो को टास्क आपने इंट्रोड्यूस कर दिया, टास्क को आपने रिसोर्सेज को, जो उपलब्ध रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज जो सामने दिखते हैं वहाँ ऑब्जर्वेशन काम करता है, जो रिसोर्सेज सामने नहीं दिखते हैं वहाँ इमेजिनेशन काम करता है. अगर रिसोर्सेज का अपने प्रॉपर डिप्लॉयमेंट कर दिया, राइट माइंड का डिप्लॉयमेंट कर दिया, राइट टाइम डिप्लॉयमेंट कर दिया और टास्क को आपने एग्जीक्यूट कर दिया, तो स्टोरी अपने आप कंक्लूजन पर पहुँच जाएगी. आपको अगर इतना कर दें तो, और थोड़ा लैंग्वेज का ध्यान रखें. इस लड़का मैं आपके आता हूँ इसके इवेल्युएटेड रिपोर्ट पर, इवेल्युएशन पर, इसके मूल्यांकन पर, इसके असेसमेंट पर. द बॉय इज फ्रॉम बॉय इज स्ट्रगलिंग टू डिपार्ट फ्रॉम लोअर मिडिल क्लास टू द मिडिल क्लास. हिज पेरेंट्स, इनके माता पिता ने अच्छा सा स्ट्रगल किया है बच्चों को पढ़ाने के लिए. जो पेरेंट्स की क्वालिफिकेशन है उससे ज़्यादा लड़के ने अचीव किया है. तो बॉय इज ऑल्सो एन अचीवर, क्योंकि डिफेंस फोर्सेज में नॉन अचीवर्स की कोई वैल्यू नहीं है. जिस सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड और डेवलपमेंटल हिस्ट्री से बच्चा आया हो, उस हिसाब से इस लड़के ने अच्छा परफॉर्म किया. अगर इस लड़के को प्रॉपरली प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए तो ये लड़का फेल केस नहीं है. बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, बहुत बहुत आशीर्वाद आप लोगों को, मेरे छात्रों को, जो बड़े बड़े आर्मी एयरफोर्स नेवी में पदों पर हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद.